हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम सीख रहे थे कॉन्सोनेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम कॉन्सोनेंट्स में कौन कौन से साउंड्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया था कि कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो वॉवल्स नहीं होते हैं, यानी कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स में, और बाकी के जो होते हैं 5 वो वॉवल्स होते हैं। तो जो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ साउंड्स जो होते हैं वो 24 होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी साउंड सीखा है वो सारे साउंड इस चार्ट में देख रहे हैं। तो जिसमें से अभी तक हम लोग कुछ साउंड्स तो सीख चुके हैं, लेकिन अभी और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट साउंड्स जो हैं वो बचे हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी और भी साउंड्स लेके। तो अभी तक हम लोग ने प, ब, ट, ड, क, ग और फ का साउंड सीख चुके हैं। तो अब एक और आ जाता है साउंड, जो कि है व का। व से होता है वाइन, सेविंग, वेरी, वैन, वीडियो। तो अब एक और कॉन्सोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थ। थ मतलब TH, लेकिन इंग्लिश में हम थ को कुछ को थ की तरह बोलते हैं और कुछ को द की तरह बोलते हैं। जैसे कि ये है थिन, थिक, मेथड, बोथ और थिंक। तो ये सारे जो हैं ये थ वाले हैं। TH में जो हम थ बोलते हैं ये वो साउंड्स हैं, लेकिन इसके अलावा हम TH में द भी बोलते हैं। तो ये ध वाले साउंड्स अब मैं बोलूँगी। तो ध जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसमें हमारी टंग जो होती है वो हमारे टीथ के नीचे आती हैं। जैसे कि देन, देर, अदर, विद, द। अब आप बोलेंगे विथ में तो हमने थ लगाया। नहीं, वो गलत प्रोनंसिएशन होता है। एक्चुअली हम इसे विथ नहीं विद बोलते हैं। इसको जो लोग विथ कहते हैं वो गलत कहते हैं। इसका सही प्रोनंसिएशन विद होता है। तो इस प्रोनंसिएशन का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक सिंपल वाले कंसोनेंट की तरफ, जो कि सा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो सी है वो स और का दोनों के लिए यूज़ होता है। तो ये सा से होगा सुई, फेस, मिसिंग, सिक्स, सी। ये सा जो है ये बहुत सिंपल कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ये हिंदी में भी होता है। इस वजह से ये आप लोग को बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें फेस में सी आ रहा है, तो हम इसे सी की जगह यूज़ करेंगे, सा की जगह यूज़ करेंगे, फेस बोलेंगे, फेक नहीं बोलेंगे, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं आपको एक और कॉन्सोनेंट की तरफ लेके चलती हूँ, जो कि है जेड। जेड जिसे हम ज बोलते हैं, जैसे कि जू, ज़ीरो, क्रेजी, फेस। अब तो आप बोलेंगे इसमें एस ई है तो इसे ज क्यों, क्योंकि इसका प्रोनंसिएशन यही होगा। एस ई होगा तो भी हम इसे ज बोलेंगे। ज़ेब्रा, ये ज जो है वो हिंदी में नहीं होता है। तो मैं आपको एक और कंसोनेंट की तरफ लेके जाती हूँ, जो कि श। श तो हिंदी में होता है, तो हम इसे बोलेंगे शो, रश, पुशिंग, शॉट, शीर। इसका सिंबल अलग होता है, लेकिन अगर आप श समझने के लिए ऐसे याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंग्लिश में एक ही श होता है। तो श जैसे आप हिंदी का श कहते हैं छोटा वाला, वैसे ही इसे कहना है। अगर इतना आप सीख चुके हैं तो मैं एक और कॉन्सोनेंट की तरफ लेके चलती हूँ, जो कि ज़। जैसे कि मेजर, कैजुअल, विजन। तो ये एक और वर्ड है जिसे कुछ लोग कहते हैं जॉनर, लेकिन ये जॉनर नहीं जॉनर होता है। ये हमारे इंडिया का वर्ड नहीं है। जैसे कि इसे लोग बोलते हैं एशिया, ये एशिया नहीं होता, ये एशिया होता है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। तो ये जो साउंड है ये थोड़ा सा अलग है हिंदी से, क्योंकि हिंदी में ये साउंड नहीं है। तो
तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एशिया को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं और एक्चुअली में पता भी नहीं होता है किसी को, तो इसलिए ये साउंड जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब मैं आप लोग को एक और साउंड की तरफ लेके चलती हूँ, जो कि है च। च जो है ये एकदम सिंपल है, क्योंकि ये तो हिंदी में है और जो हिंदी में है वो हमें बोलना बहुत अच्छे से, जैसे कि वॉचिंग, कैच, चोक, चीयर, चर्च, और एक बहुत ही कॉमन वर्ड है की चेन, जिससे आया है चेन। तो अब मैं एक और कॉन्सोनेंट की तरफ आपको लेके चलती हूँ, जो कि है ज। ये सिंपल वाला ज है, तो इसमें भी हम कभी कभी ज वाला जा बोलते हैं, जे वाला जा बोलते हैं, और कभी कभी जी वाला जा बोलते हैं, तो वो हम बाद में समझेंगे। पहले इसे कैसे बोलते हैं वो देखते हैं। तो ज को हम बोलते हैं जोक, चार्जिंग, लार्ज, जज, जैम। ये ज जो है ये भी हिंदी में होता है, इसलिए भी इसे हमें बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस हमें इसे बोलने की करनी होगी। तो अभी एक और साउंड आ गया, जो कि ला। ला भी जो है वो बहुत सिंपल है, जैसे कि लाइफ, वेल, फॉलो, लाइट, लैम्प। ये ला जो है इसे हम नॉर्मली बोलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे बा और पा था, ये ला भी बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे हम। तो ला में भी कोई वेरिएशन नहीं होता है। सा में बहुत लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि सा और श लोगों को एक जैसा लगता है, कुछ कुछ लोगों को वो बोलने में परेशानी होती है। तो अब एक और कॉन्सोनेंट आ गया है, जो कि है मा। इसके बारे में तो मुझे आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये भी बहुत ही सिंपल कॉन्सोनेंट है, मा। तो हम इसे प्रोनाउंस करते हैं मेल, ह्यूमर, मच, मिल्क, सम। ये जो मा होता है ये तो हमने बचपन से ही सीखा होता है ये कंसनेंट, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा बोलता है वो माँ बोलता है। तो अब मैं एक और कंसनेंट की तरफ आपको लेके चलती हूँ, जो कि है ना। ये भी माँ के जैसा ही है, ना, सिंपल और नॉर्मल बोलना है, जैसे कि नेल, नो, नाइन, फनी, नियर। ये कहना भी उतना ही इजी है जितना कि ना है, जितना कि पा है, जितना कि बा है, जितना कि माँ है, चा है। ये सारे साउंड्स जो हैं ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सिमिलर साउंड्स निकलते हैं, इसलिए ये सब कहना एक जैसा ही होता है। तो अब एक और साउंड आ गया, जो कि हिंदी में नहीं है, ये है ऊ। हाँ, ये है ऊ, जैसे कि सिंग। जो ऊ वाला साउंड आ रहा है वो इसमें आता है, सिंगर, रिंग, ईयरिंग, प्रिंकल, सिंग। ये जो इंग वाला साउंड है वो इसमें आ रहा है, और ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आई एन जी वाले वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश में मिलेंगे। तो ये इसलिए आपको बताया गया है ताकि आप इस साउंड को प्रोनाउंस कर सकें। तो अब एक और साउंड आ गया, हा का। तो ये भी हिंदी में होता है, तो हम इसे भी इजीली प्रोनाउंस कर पाते हैं, जैसे कि है हेल, परहैप्स, हाउस, हेलो, हॉट। तो ये साउंड में आपको बोलने आता ही होगा, क्योंकि ये हिंदी में है। तो जो जो वर्ड्स हिंदी में, जो जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे साउंड्स आपको प्रोनाउंस करने आते हैं। तो अब एक और साउंड आ गया, जो कि है रा का। मैंने आपसे बताया था जब मैं वॉवल्स पढ़ा रही थी, कि ये जो रा का साउंड है ये कॉन्सोनेंट में होता है, क्योंकि उसमें अर अर आ रहा था। तो ये जो रा का मेन साउंड है वो कॉन्सोनेंट में आता है। तो जैसे कि है रियल, रीड, करेक्ट, रिप्लाई, रोम। तो ये जो रा है, रा, रीड, ये बोलने में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, क्योंकि इसके जैसा कोई और वर्ड है ही नहीं, ये एकदम अलग है रा। अब एक और साउंड आ गया, जो कि है यू। वैसे यू अल्फ़ाबेट में वॉवल होता है, लेकिन इसका साउंड जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो जैसे कि वर्ड है यू, यूनाइटेड, बियॉन्ड, गेस, येमेन। तो ये जो य होता है ये हिंदी में होता है,
लेकिन इसमें वर्ड जो है यू का वो कंसोनेंट साउंड होता है, तो अगर वर्ड जो है वो यू से भी शुरू होता है तो हम उसे य प्रोनाउंस करते हैं। तो ये काफ़ी इजी है, लेकिन ध्यान बहुत रखना है इसमें। तो अब एक और कंसोनेंट की तरफ लेके जा रही हूँ जो कि तो अब आप बोलेंगे कि हमने वत और वेरी में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे भी वह वो वत, ये वो है, जो वो साउंड था वो व वाला निकल रहा था और ये व वाला है। जैसे कि विंडो, जब आप व बोलेंगे तो आपका जो मुंह होगा वो थोड़ा सा राउंड शेप में जाएगा, रिंग की तरह। जैसे कि विंडो, विन, शोइंग, विंटर, वॉल। तो आप नोट कर रहे होंगे जब मैं व बोल रही हूँ तो जो थोड़ा सा मेरा मुंह है वो थोड़ा सा रिंग की तरह हो रहा है। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी तक आपने 44 साउंड सीख चुके हैं। जी हाँ, आप फोनेटिक्स में सब कुछ सीख चुके हैं। ये 24 और 20 साउंड्स आप सीख चुके हैं, यानी कि पूरे 44। तो ऐसे ही इजी वे में इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।